हेलो गाइस, कैसा आप सब? आई थिंक आप सब एकदम बढ़िया हो और घर पे ही हो। तो हाँ यार, मुझे वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो फोटो होता है वो मैं खुद ही क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ। कई बार एडिटिंग करने के बाद जो बेस्ट निकलता है उसका मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो गाइज़, इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ गाइज़, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, और ये फोटो विजय मेहर से इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हो साइड बाई साइड, ये वाला है विजय मेहर का फोटो और इसको देख के मैंने इसको बनाया है। आप देख सकते हो कितना मिलता जुलता है। तो आप लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यार मेहनत तो मैंने किया है, मैंने कई बार कोशिश किया, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप का निकल के आया है। तो आपको सिर्फ इस टाइप का एक पोज में आपको फोटो क्लिक करना है, उसके बाद मैं जो जो स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में उसको फॉलो करना है, तो आपका फोटो जो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा रिटचिंग करने के बाद एकदम बॉम्ब लगेगा आपकी फोटो। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार, लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है प्रोफाइल में, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पर जो मैक्स इमेज साइज आपको देखना है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं होता है तो 8 मेगापिक्सल कर देना, उसके बाद ओके कर देना। ओके, तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, इससे करने से आपकी फोटो एडिटिंग में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा क्वालिटी में, ठीक है? तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना। तो गाइज, अभी शुरू करते हैं फोटो एडिटिंग को। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्लस के आइकन के ऊपर, और यहाँ पर मैं जो बैकग्राउंड होगा उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज, यहाँ पर आपको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितने PNG और बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो गाइज, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया। उसके बाद जो मॉडल का फोटो है उसको मैं यहाँ पर ऐड फोटो में जाऊँगा, और जो मॉडल का फोटो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो गाइज, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपकी फ़ोटो को क्रॉप करना है और बहुत ही ध्यान से यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डॉज एंड बर्न करना है आपकी फ़ोटो के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पहले से ही डॉज एंड बर्न का एक PNG बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। और अगर आपको नहीं पता कि डॉज एंड बर्न कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो वैसे भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मैं बनाऊँगा, आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एक डॉज एंड बर्न वाला वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पर डॉज एंड बर्न बना एक PNG मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, उसके बाद कर दूँगा डन। ओके, उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो यहाँ पर आई लेंस है उसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जो फायर इफेक्ट देगा। यहाँ पर जो आई लेंस है उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो कर देंगे डन। उसके बाद जाऊंगा फिर से ऐड फोटो में। उसके बाद जो हमारा आई से निकल रहा है जो फायर वाला धुआँ, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से ऐड कर दिया। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं एक एक PNG को अलग अलग टाइप से सेव किया है अपने डिवाइस में। ओके, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली एक के बाद एक ऐड करते जाना आपकी PNG को, आपकी फ़ोटो जो है एडिटिंग हो जाएगा। ओके, तो आपका अगर जो मेन मॉडल है उसको अगर आप अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं करोगे तो आपकी जो PNG है अच्छे तरीके से ऐड नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ड्रॉ टूल के अंदर जाके आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होगा, उसके बाद आप फाइनल एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो, है ना? उसके बाद जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो फायर है उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, जो कि स्मोक के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पर फायर को ऐड कर दिया, फायर वाला जो PNG है। उसके बाद इसका जो ब्लेंड मोड है इसको मैं कर दूँगा लाइट। ओके, उसके बाद कर देंगे डन। तो आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा काम बाकी है अभी। तो उसके बाद जो उंगली के अंदर हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा उसको ऐड करना होगा, जो कि फायर जल रहा है तो रिफ्लेक्शन तो ऐड करना होगा, है ना? वरना रियलिस्टिक कैसे लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो, यहाँ पर दोनों साइड आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्शन है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद इसका ऑपोजिट हम थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद फिर से जाएंगे ऐड फोटो में, और यहाँ पर एक PNG है, लेकिन मैं अभी इस PNG को नहीं ऐड करूँगा। तो उसको कब ऐड करना है, तो अभी इस फ़ोटो को मैं सेव करूँगा और सीधा ओपन करेंगे जो स्नैपसीड एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है? तो इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन एप्लीकेशन का मैं यूज़ करूँगा। एक है पिक्सआर्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जो स्नैपसीड, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा लाइटरूम। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया फ़ोटो को, तो अभी ओपन करते हैं। जो हमारा स्नैपसीड है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो फ़ोटो अभी हमने सेव किया उसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। ओके, उसके बाद जाऊँगा यहाँ पर पेन के आइकन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, और यहाँ पर लेंस ब्लर लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और इसको इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है?
उसके बाद इसका जो विगनेट है इसको ज़ीरो कर देना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जो मिडिल वाला ऑप्शन है इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है। ओके, इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा देख सकते हो आप जो ब्लरी वाला इफेक्ट है वो हमारा जो एक्स्ट्रा हेयर है उसके ऊपर लग रहा है ना। उसके बाद इसका जो ब्लर है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा। ओके, इस तरीके से ब्लर को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, उसके बाद कर देंगे डन। तो अभी लग रहा है कि हाँ यार, जो मेन जगह है वो फोकस में है और जो एक्स्ट्रा एरिया है वो अनफोकस हो गया है ना। तो यहाँ पर जो ब्लर है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, जो फोटो है वो सेव हो जाएगा। अभी फिर से हमको ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लिया, उसके बाद क्लिक करूँगा प्लस के आइकन के ऊपर और जो फोटो अभी हमने स्नैपसीड से एडिटिंग किया उस फोटो को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। ओके, उसके बाद जाऊँगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो हमारा स्पार्क वाला पीएनजी था उसको, जो फाइनल पीएनजी था उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इस तरीके से। ओके, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको मैं स्क्रीन कर दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारा फाइनल पीएनजी था वो भी ऐड हो चुका है। तो कर दूँगा डन और अभी इस फोटो को हम सेव करेंगे। तो जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर और इसको सेव करेंगे। तो हमारा जो फोटो है वो डिवाइस में सेव हो चुका है। तो अभी जो फाइनल रिटचिंग है वो हम लाइटरूम से करेंगे। तो ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। तो जो फोटो अभी हमने पिक्सआर्ट और स्नैपसीड से एडिटिंग किया वो फोटो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं उस फोटो को ओपन करूँगा, थोड़ा सा रिटचिंग करूँगा इसको अच्छा लुक देने के लिए। तो यहाँ पर लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोजर को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर माइनस कर देंगे और जो हाईलाइट है इसको भी माइनस, शेडो को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, वाइट को यहाँ पर माइनस कर देंगे, नहीं वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, उसके बाद जो ब्लैक है इसको माइनस कर देंगे। ओके, जो शेडो होगा वो थोड़ा सा दिखने लग जाएगा अगर ब्लैक को मैं माइनस करूँगा। तो आप देख सकते हो जो थोड़ा सा शेडो है वो यहाँ पर शो करने लगा। तो उसके बाद जाऊँगा कर्व के ऊपर और यहाँ पर जो दोनों पॉइंट है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद कर देंगे डन। तो आप ही हिसाब से रिटचिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे रिटचिंग करते हैं। उसके बाद जाऊँगा कलर टूल के अंदर और मिक्स में जाएंगे और यहाँ पर जो रेड कलर है इसको इंक्रीज कर देंगे, सेकेंड कलर को चूज़ करेंगे, इसका जो सेचुरेशन है इसको माइनस कर देंगे, लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। ओके, उसके बाद जो येलो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके, उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद जो टेम्परेचर है इसको माइनस 8 कर देंगे और जो वाइब्रेंस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और सैचुरेशन को यहाँ पर माइनस। ओके, उसके बाद जाएंगे इफेक्ट के अंदर और इसका जो टेक्सचर है इसको हम कर देंगे 16, क्लियरिटी को यहाँ पर 14 कर देंगे, डीएज को 4 और विगनेट को यहाँ पर माइनस कर देंगे -70। उसके बाद जो मिड पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे और जो फेदर है इसको आप इंक्रीज कर देना 80 तक। ओके, उसके बाद हम जाएंगे डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर जाने के बाद जो शार्पनिंग है इसको हम ऑन 100 कर देंगे, रेडियस को 1.20, डिटेल को यहाँ पर 35, मैस्किंग को इंक्रीज कर देंगे, नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज कर देंगे और जो डिटेल है 50 रहने देना आपको, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर बढ़ा देना है, कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद जो डिटेल और स्मूथनेस है जैसा है आपको वैसा ही रहने देना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो फोटो रिटचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ये बिफोर और ये आफ्टर फाइनल रिटचिंग करने के बाद। उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो सेटिंग्स जैसा है आपको यहाँ पर फॉलो करना है, फाइल टाइप, डायमेंशंस, क्वालिटी, जैसा है आपको इस टाइप का फॉलो करके आपको टिक के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपकी जो फोटो है वो फुल HD में आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो, आप यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना और ऑल को सेलेक्ट करना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो यार, मिलते एक नए और ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।